नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिंदगी में जब भी हम कुछ करते हैं तो भविष्य के बारे में हमेशा योजना बनाते हैं और ये सोचते हैं कि जब ऐसा होगा तब कैसा होगा, यानी जब हम बड़े होंगे, खूब पैसा कमाएंगे तो सब कुछ हमारे पास होगा और सब कुछ जब उपलब्ध होगा तो हम जो मर्जी, जैसा मर्जी चाहेंगे जीवन जिएंगे और जो मर्जी खाएंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है, बहुत से लोग दूसरे लोगों के बारे में ऐसी बात करते हैं और कहते हैं कि उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन डॉक्टर्स ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि अब वो खा भी नहीं सकता, बस खाने के नाम पर उसे गोलियां खानी पड़ती हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें और हालात को अगर देखें तो हम में से बहुत से लोग मधुमेह यानी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ऐसा लगता है लगभग हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को डायबिटीज यानी मधुमेह ने अपनी चपेट में ले रखा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डायबिटीज होने का खतरा है, लेकिन हम सब इस खतरे से अनजान रहते हैं। तब तक अनजान रहते हैं जब तक कोई और समस्या नहीं होती। किसी और बीमारी के लिए गए और वहां जांच के दौरान पता चला कि फलां व्यक्ति को डायबिटीज भी हो गई है। उसके बाद जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, घर का खाना बदल जाता है, सोच बदल जाती है और सामने रखा हुआ खाना भी खाया नहीं जाता। और फिर एक शायर ने कहा है, देने वाले ने सब कुछ दिया अलग अंदाज से, सामने दुनिया पड़ी है और उठा सकते नहीं। यह हालात ना हो इसलिए बहुत जरूरी है कि डायबिटीज यानी मधुमेह के खतरे को पहचाने और अभी से अपने जीवन को बदल लें ताकि बाद में मजबूरी में ना बदलना पड़े। क्योंकि मधुमेह की बात करें तो इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मधुमेह रोगी को जो समस्याएं होती हैं उसमें हृदय रोग, डायबिटिक न्यूरोपैथी, दृष्टिहीनता और यहाँ तक कि किडनी फेल होना जैसे गंभीर परिणाम सामने आते हैं। तो बेहतर यह है कि हम जानकारी लें इस रोग के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में और ये समझें कि मधुमेह रोग क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। हमारी अनियंत्रित जीवन शैली और खान पान के कारण अधिकतर लोगों में मधुमेह से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है, वहीं आज ज्यादातर लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। मधुमेह के बारे में कई तरह के विचार कायम हैं, लेकिन मधुमेह रोग के विषय में क्या हमें जानकारी है? शुगर होता है टेंशन से, खाने पीने से कुछ नहीं होता है। When the sugar level increases in the blood, in the arteries के through heart तक blood नहीं पहुंच पाता। शुगर इनटेक से ही आपके ब्लड में जो शुगर होता है वो बढ़ता है। आई थिंक टेंशन लेने से भी होता है और कुछ फैमिली में फैमिली बैकग्राउंड होता है जिनका, उसी वजह से होता है। अभी तो 40 या ऊपर ही होता है आई थिंक, मतलब लोअर एज में इतना नहीं होता अभी। डायबिटीज अभी हमारे को कुछ है नहीं है तो इसलिए हमारे को कुछ पता नहीं है इतना। देखिए आज के टाइम में तो मुश्किल ही है डायबिटीज से बचना, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन तो पक्का होती ही होती है। मोटापा, खान पान और कई अन्य कारण हैं जिनसे मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिकतर मामलों में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो कितने समय से मधुमेह की चपेट में है। शरीर के अंगों पर इसका प्रभाव होने के बाद ही रोग के लक्षण नजर आते हैं। मधुमेह का पता चलने पर उसे ठीक करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। जामुन की गुठली का चूर्ण खाओ और आराम से जामुन का सिरप पियो। जस्ट टू कट ऑन योर शुगर कंटेंट। Even alcohol has sugar, you should not have more of alcohol also, because it is made from sugar molasses. So I think you should have less of sugar. That's it. मैं तो उसको रोकने के लिए medicine लेता हूँ कभी कभी, नहीं तो मैं जामुन खाता हूँ। रोका जा सकता है अपने ही खान पीन के हिसाब से रोका जा सकता है, जैसे कि इसके लिए काफ़ी वॉक वगैरह है या अपना ये शुगर का थोड़ा सा कम यूज करेंगे। बेहतर है कि मधुमेह के विषय में जानकारी हो, जाने कि मधुमेह का कारण क्या है और कहीं आप प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। दुनिया के बाकी हिस्सों का तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारे घरों में कोई मौका हो, खुशी का मौका हो, मुंह मीठा जरूर कराया जाता है। और जब अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो फिर अवस्थाएं बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं और परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। और मुनव्वर राणा फिर कहते हैं, जिंदगी से हर खुशी अब गैर हाजिर हो गई, एक शकर होना थी बाकी वो भी आखिर हो गई।
ना हो शक्कर यानी डायबिटीज यानी मधुमेह का रोग कैसे नहीं होगा, आज बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर काजल पांड्या, सीनियर डायटिशियन, मेदांता द मेडिसिटी, डॉक्टर निखिल टंडन, प्रोफेसर एंड हेड एंडोक्राइनोलॉजी एम्स, एंड डॉक्टर अशोक झिंगन, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, प्राइमस हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर निखिल टंडन, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, अब से पहले हमने जब भी ये कार्यक्रम मधुमेह पर जब भी किए हैं तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है, डॉक्टर झिंगन भी जिससे इत्तेफाक करते हैं और बताते भी हैं कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे देश में मधुमेह के रोगी बढ़ रहे हैं, कम उम्र में भी लोगों को मधुमेह हो रहा है। प्रश्न हमारा आपसे ये है कि ऐसा है तो ऐसा है क्यों? गड़बड़ हमारे खान पान में है या हम कसरत कम करने लगे हैं उससे है? पहले तो मैं उसको उससे सहमति बताऊं कि आंकड़ों में एक निरंतर बढ़ाव चले आ रहा है, और ये ना केवल शहरी इलाकों में हो रहा है लेकिन आजकल हमारे देहात में भी इसमें वृद्धि आ रही है। जहां तक सवाल है कि क्या कारण है, एक कारण नहीं, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसे डायबिटीज हुई, हार्ट डिजीज हुई, ब्लड प्रेशर हुई, ये ऐसी बीमारियां नहीं जिनका एक कारण होता है, कई सारे वजहों से। तो ये इसका ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो एक कारण हटाने से, जैसे आपने मच्छर हटा दिए तो मलेरिया हट गया, तो यहाँ पे एक ऐसी चीज नहीं जिसको हटाने से आपकी डायबिटीज हट जाएगी। खान पान में जो अंतर आया है, जिस प्रकार की हम चीजें खाते हैं, जिस मात्रा में हम खाते हैं, प्रोसेस फूड का हम लोगों में सेवन ज्यादा हो गया है, घी तेल की मात्रा में परिवर्तन आ चुका है, आप पूरे देश की अगर आंकड़े देखें तो कैलोरीज में चाहे इतनी वृद्धि ना हुई हो, कैलोरीज जो तेल और शुगर से आ रही है उनमें वृद्धि जरूर हुई है। तो टोटल खाने में ना भी अंतर पड़ा हो, जिस प्रकार की हम चीजें खा रहे हैं उसमें भी अंतर आ रहा है। व्यायाम में तो खैर कमी हुई है, मतलब जो हमारे पास साधन ही नहीं थे पहले, वो सब हमारे पास साधन है। जो हम पहले व्यायाम बाहर करते थे, वो आज व्यायाम मतलब हाथ के माउस के साथ करते हैं, तो या टीवी के रिमोट चैनल के साथ करते हैं, तो उन दोनों चीजों में अंतर आया है। ऑब्वियसली साथ में जैसे स्ट्रेस हुआ, साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए, बिहेवियर वाले इश्यूज हुए, वो सब आते हैं, तो एक एक कॉम्पोजिट कारण है जिसकी वजह से वृद्धि हो रही है। जी डॉक्टर अशोक झिंगन, हमें जरा ये समझाएं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, एक तो खान पान की और एक्सरसाइज की बात तो हो गई है, कौन से कारक आप बताना चाहेंगे जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति को मधुमेह रोग होने में, और पहले आइडेंटिफाई कर लें कि उसमें कहाँ कहाँ बदलाव होगा, तो कारण आप बताएं पहले। देखिए, एक डायबिटीज के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, खास करके टाइप 2 डायबिटीज जिसके कि सबसे ज़्यादा मरीज होते हैं, इसमें एक जेनेटिक बैकग्राउंड होता है और इसको जो है प्रेसिपिटेट करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इनमें जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के हो गए, एक तो वो हो गए जिनको हम जो है जिनके चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाइबल, और जो नॉन मॉडिफाइबल है। तो जेनेटिक बैकग्राउंड तो बदला नहीं जा सकता। जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसा कि डॉक्टर निखिल टंडन बता रहे थे, हमारे खान पान में बिल्कुल बदलाव हुआ, बहुत सैचुरेटेड फैट्स आ गई, बहुत ज़्यादा कैलोरीज की डाइट होने लगी, उसके साथ साथ आरामपरस जिंदगी हो गई, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, उसमें जो है बिल्कुल कैलोरीज का कंजप्शन भी नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ ऊपर से स्ट्रेस और बढ़ गया। तो जो तीनों कारण हैं, इनसे क्या हुआ कि हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल थी बदल गई, और इसीलिए डायबिटीज़ को हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल ही टोटल बदल गई, इसीलिए डायबिटीज़ का इंसिडेंस बदल गया, बढ़ता चला जा रहा है। और डॉक्टर निखिल टंडन ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 1970 के अगर आंकड़े हम देखें, उस समय अगर 2-3% अगर डायबिटीज़ थी, आज की तारीख में वो 18-20% उसके इंसिडेंस मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हमारे खान पान में और रहन सहन में बदलाव आया है, और उसी को अगर हम बदलाव को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आज इस स्थिति को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जी, खान पान डॉक्टर काजल बहुत एक मेजर फैक्टर के रूप में सामने आ रहा है, खान पान में बदलाव से क्या समझें, कौन कौन सी चीजें हैं उसमें जो बदल गई हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूंगी कि डॉक्टर टंडन ने जो बताया कि एक फैक्टर नहीं है, कपल ऑफ फैक्टर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स है, तो मैं मानती हूँ कि जो एक खाना और एक्सरसाइज एक तराजू जैसा है, कि वो तराजू का बैलेंस अगर खराब हो जाता है तो कोई भी एक चीज़ इफेक्टिव हो जाती है। कि जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो कोई एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो यूज़ नहीं हो पाता है तो वो जाता है फॉर स्टोरेज के लिए, यानी कि वो
मोटापा देता है, फिर मोटापा देता है कई और बीमारियां। तो ये एक विशेष साइकिल जैसा है कि वो चलता रहता है। तो आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो खाने का जो इनटेक है हमारा वो ओवरऑल बढ़ गया है, डेफिनेटली कई चीज़ों से बढ़ गया है, और जो हमारा आउटपुट है इनटेक और आउटपुट का जो हम देखते हैं तो आउटपुट हमारा कम हो गया है क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं हो गई है, खाना भी अब घर पे डिलीवर हो रहा है, रेडी टू ईट फूड मिल रहा है। तो ये सब वजह है कि भाई हमारे डाइट के अंदर बदलाव आया है जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कैलोरीज सेवन करते हैं और हम उसको बर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बेसिक है, अगर इसको हम संतुलन कर पाए तो मेरे ख्याल से हम जो बोल रहे हैं कि भाई हम उसको प्रिवेंट कर सके डायबिटीज को या कोई भी बीमारी को, तो मेरे ख्याल से ये एक संतुलन लाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर निखिल टंडन, जब भी बात होती है हमारे शरीर के बारे में तो ये कहा जाता है कि प्रकृति ने कमाल का हमारा शरीर बनाया और जितना हम इसके बारे में जानते हैं, कम जानते हैं लेकिन जितना भी जानते हैं उससे लगता है कि ये तो कमाल की एक मशीन है। लेकिन एक बात जो अब थोड़ा सा हैरानी में भी डालती है और थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करती है वो ये कि हमारे इस शरीर को ये पता ही नहीं चलता कि हम अगर ज्यादा भी खा रहे हैं तो ज्यादा निकाल दिया करें, स्टोर भी करना। आप विशेषज्ञ हमेशा बैंक अकाउंट का उदाहरण देते हैं, बैंक में जितना डालोगे निकालोगे नहीं तो जमा हो जाएगा। मुझे लगता है बैंक और शरीर में बड़ा फर्क होता है, तो शरीर में कहां ये गड़बड़ शुरू होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में कहीं गड़बड़ है, कहां है ये? हमारा जो ये बीमारियों का इशू है ये बायोलॉजी है, गणित नहीं है। गणित बड़ा आसान है, जो आपने कहा बैंक वाला उदाहरण है वो गणित है, पैसे डाले पैसे निकाले जो अंतर आ गया, अगर ज्यादा डाले कम निकाले तो अंदर ज्यादा। उस उदाहरण से सहमत नहीं, बिल्कुल सही कहा जी। लेकिन बायोलॉजी कॉम्प्लेक्स चीज है, बायोलॉजी में केवल एक प्लस माइनस वाली एक इक्वेशन का सवाल नहीं है। तो अगर आप सही मानो पूछे तो कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं खाता तब भी मेरा वजन बढ़ते चले जा रहा है, और एक्चुअली अगर आप देखें तो उनके खाने की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं भी होती है जो मेन मील टाइम्स पे खा रहे होते हैं। लेकिन वही आदमी अगर आप बीच में देखें तो चलते फिरते हाथ यहाँ लगाया, वो कुछ उठाया, ये सब किया, तो वो हम कभी नाप में कभी लाते नहीं है। और जो गणित की जो दूसरा पार्ट है जो उसे बर्न करना है वो तो हमें मालूम है ना कि हमें करना है, लेकिन वो शरीर अपने आप बर्न नहीं कर सकता है। शरीर को बर्न करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है, वहां मेहनत में हमारी चूक हो जाती है। ये गणित हो गया। लेकिन आपका जो सवाल है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बारी मरीज कहते हैं कि देखिए आपने हमसे कहा था ये करिए, हमने वो किया भी, बाकी लोगों का वजन कम हो गया हमारा वजन कम नहीं हुआ है। तो अभी भी मुझे लगता नहीं कि विज्ञान में हमें पूरी तरह से इसके बारे में कुछ चीज समझ में आई है कि ये इक्वेशन जो है इसमें पैरामीटर्स और क्या क्या हैं। यही बात डॉक्टर टंडन, इसी में एक छोटी सी बात और, जब आप ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण दे रहे थे जो कहते हैं कि हम कुछ खाते नहीं लेकिन फिर भी वजन बढ़ता है, दूसरी तरफ हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं और सबकी जान पहचान में एक आध व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो खूब खाता है और उस खाने के बाद भी दुबले पतले रहते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल, तो दोनों किस्म के हैं। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उस तरह के आदमी रहेंगे या उस तरह के औरत रहेंगे, हमें तो ये मान के ही चलना पड़ेगा कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हमें उसको, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया था, उसे हमें बर्न करने की आवश्यकता है। और उसमें ये हमारे हो सकता है ये हमारे ज्ञान की लिमिटेशन है, लेकिन आज जो हमारा ज्ञान है वो इतना ही बता पा रहा है कि जितना आप खा रहे हैं उससे ज्यादा बर्न नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अगर कोई कहता है कि मैं कम खा रहा हूं नहीं बर्न कर पा रहा हूं तो उसका मतलब किसी और चीज में आपको फर्क लाना ही पड़ेगा जब तक हमें और ज्ञान नहीं मिलता है। डॉक्टर अशोक झिंगन, अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है किसी बात के लिए चेकअप हुआ तो ये बात जरूर सामने आती है कि आपको मधुमेह था, कितने समय से था पता ही नहीं चला। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक वो जो रिस्क ग्रुप में फॉल करते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री या दूसरे फैक्टर्स हैं और उन्हें ये पता हो सकता है कि शायद हमें आगे चल के डायबिटीज हो, और दूसरा वो ग्रुप है जिनकी फैमिली में किसी को मधुमेह नहीं है। क्या फर्क रहेगा दोनों के खतरे में और किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे? आपने बहुत ही अच्छी बात की, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्री डायबिटीज। ये एक ऐसा ग्रुप है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसमें के ब्लड शुगर के लेवल्स ज़्यादा है, और वो स्थिति जबकि पूरे डायबिटीज के लक्षण और पूरी तरह से डायबिटीज हो जाए वो वाला पीरियड है, और ये कई बार जो है 8 से 10 साल का पीरियड होता है। इसके अंदर बीटा सेल, जहाँ से कि इंसुलिन बनती है,
वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, और जिस समय मरीज को डायबिटीज़ के बारे में पता लगता है तब तक 50% बीटा सेल्स का बनना बंद हो गया। इसका मतलब कि ऑलरेडी वो स्टेज काफ़ी लेट हो चुकी है। तो इस स्टेज में अगर हम लोग, वो लोग जिनको के हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, वो लोग जिनका वजन ज़्यादा है, वो लोग जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है, वो लोग जिनके परिवार में डायबिटीज़ है, वो सभी लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, वो लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम यंग एज में है, या हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स है, या जिन्होंने जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है, वो सारे हाई रिस्क ग्रुप जिसमें PCOD भी आ गया, ये सब ग्रुप के वो लोग हैं जिनको आगे चल के डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए भी ज़रूरी, जैसा आपने कहा कि क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो जो कम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज़ की, खास करके आँखों पर असर जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, वो प्री डायबिटीज़ से ही शुरू हो जाता है। तो जब तक हम ये सोचें कि पता लगा है, तो इसलिए हमको जागरूक होने की ज़रूरत है कि किन लोगों में डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक है और उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसको खतरा है, खतरे के अलावा बाकियों को किनको खतरा हो सकता है, वो भी समझना ज़रूरी है। वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इलाहाबाद से शुभम है टेलीफोन लाइन पर। शुभम जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें। हम जान सकते हैं सर कि डायबिटीज़ से प्रभावित है, और सर बचाव के लिए क्या करना चाहिए इनको डायबिटीज से? जी डॉक्टर जिंगन, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? डायबिटीज इनके परिवार में है जी, वही जिसकी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ग्रुप की, हाँ, रिस्क ग्रुप में है। इनको सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि अपने वजन को नियंत्रण में रखना चाहिए, और अब इस बारे में बहुत सारे ऐसे अध्ययन आ चुके हैं और इनके नतीजे आ चुके हैं कि अगर अपना वजन 7% अगर आप कम कर लें जी, अपना जो है बाय एक्सरसाइज, बाय वेट, अपना जो है खाने पे नियंत्रण करके, तो आप डायबिटीज़ को 58% तक रोक सकते हैं, टाल सकते हैं। और अब तो 20 साल की स्टडी के पूरे नतीजे आ चुके हैं जिसमें वो पूरी तरह से बता सकते हैं कि डायबिटीज़ को इन लोगों ने 58% तक रोके रखा। तो इसका मतलब है कि अब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल अगर आप बदल लेंगे, सिर्फ अपना वजन जो है 7% जो भी आपका है उसको कम कर लें और अपना खान पान पर नियंत्रण रखें, तो आप डायबिटीज से निश्चित रूप से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर निखिल टंडन, हमारे पास ईमेल्स भी हमारे दर्शकों के आने शुरू हो गए हैं। जयपाल सिंह है रेवाड़ी हरियाणा से, कोई जानना चाहते हैं, उनकी उम्र 42 वर्ष है, वजन है उनका 62 किलो और उनकी ऊंचाई लंबाई है 5 फुट 10 इंच। वो ये लिखते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो 210 है और ट्राइग्लिसराइड्स हैं 300। वो जानना चाहते हैं कि मुझे अभी तक तो डायबिटीज नहीं, क्या मुझे डायबिटीज होने का खतरा है? डायबिटीज़ के ना रिस्क फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, तो हमें अभी नहीं, इन्होंने ये नहीं बताया कि परिवार में डायबिटीज़ की दिक्कत है कि नहीं। जहाँ तक इनका वज़न है, इनके कद के अनुसार इनके वज़न ज़्यादा नहीं है, सो ये पॉजिटिव फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन खून में जो दूसरी वाली चर्बी होती है ट्राइग्लिसराइड्स, वो ज़रूर बढ़े हुए हैं ना। उसका कारण क्या है उसका भी स्पष्टीकरण करना पड़ता है। वो खाने से ही डायरेक्टली संबंधित है, कुछ लोगों को जेनेटिक कॉजों से बढ़ता है, कुछ लोग का अगर अल्कोहल कंजम्पशन होता है उससे बढ़ता है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा क्यों बढ़ी है। लेकिन जहां तक वजन का सवाल है वो मेरे हिसाब से ठीक है, तो लेकिन ये अलग से जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वाला इशू, उसको उसके बारे में उनको डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर लेवल्स नियमित जांच कराएं। देखिए, ऐसा होता है कि किसी बीमारी के लिए जहां हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हम प्री डायबिटीज से डायबिटीज में प्रिवेंट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग नाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हम पॉपुलेशन में कितने लोगों में चेक करें कि उनको ये डायबिटीज होने की संभावना है या प्री। उसमें बहुत सारा डिबेट है कि वो स्क्रीनिंग हर इंसान में होनी चाहिए या एट हाई रिस्क वालों में होनी चाहिए। आजकल अधिकतर विशेषज्ञ समझते हैं कि जिसे हम अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करते हैं, हाई रिस्क स्क्रीनिंग, उस पर ही हमें फोकस करना चाहिए कि जिन लोगों में प्रवृत्ति है एक रिस्क स्कोर के अनुसार, जैसे जिसमें परिवार में प्रॉब्लम है, जिनमें मोटापा है, जिनमें वेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनमें स्क्रीन करके, उनमें आइडेंटिफाई करके उसमें इंटरवीन करना चाहिए। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल रांची से मनोज जी हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं तो 17 साल कंप्यूटर चलाता हूँ और ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं होता है जी, 12-14 घंटा से ज्यादा चलाता हूँ, और इसके लिए मैंने मोटरसाइकिल भी नहीं ली, साइकिल से यूज करता हूँ। कंप्यूटर चलाने से भी होता है, या क्या चीज ऐसा नहीं खाया जाए जो नहीं हो, या
डायबिटीज क्यों होता है उसका पक्का। आप मनोज जी ये बताएं, आप कह रहे हैं आप कंप्यूटर चलाते हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करते हैं? जी करते तो नहीं है, वह बस साइकिल यूज करता हूँ, 20 किलोमीटर आता जाता हूँ सुबह शाम। ओके। और असल में हमको थोड़ा ऐसा भी होता है क्या कि जैसे एक दो आदमी डायबिटीज है उसके बीच में रहे तो उसको भी कोई डर होता है क्या? डॉक्टर निखिल टंडन, इनका सवाल यह है कि ये साइकिलिंग करते हैं, अदरवाइज कौन कौन से कारण हो सकते हैं, और अगर मधुमेह का रोगी है वो आसपास रहे तो क्या उससे कोई खतरा हो सकता है अगर उसके साथ रहते हैं तो? कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो पूरी तरह से हमें ये मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। उसमें एक ही चीज है, दूसरों के बुरे जो बुरे आदतों को देखा देखी में हमें उनको अपना नहीं लेना चाहिए, तो वहां तक उसमें आपको अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनके जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है उसको देखा देखी में नहीं करना चाहिए। जहां तक उनका सवाल था वो ठीक है, बहुत सारे लोग दफ्तरी काम करते हैं, सुबह शाम दफ्तर में बैठते हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि 20 किलोमीटर साइकिल पे जाते हैं वो काफी अच्छा व्यायाम है, तो इनको तो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि ये करते रहें और ये इनके लिए फायदेमंद रहेगा। डॉक्टर काजल पांड्या, खान पान की हम बात कह रहे थे तो आपने कहा कि खान पान जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है खाने की, मतलब एक समय में व्यक्ति कुल मिलाकर ज्यादा खाना खा रहा है। इसके साथ में आजकल बहुत सारी जगह और जनरली इस तरह की ऑफर्स होती हैं कि आप अगर कॉम्बो पैक लेते हैं तो आप इतने पैसे दीजिए और आपको इतनी ज्यादा क्वांटिटी या 1+1 मिल जाएगा। क्या इस तरह के फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि व्यक्ति को लगता है पैसे तो कम खर्च हो रहे हैं और मुझे क्वांटिटी वाइज कितना मिल रहा है, तो कैलोरीज भी है और क्वांटिटी भी ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल बोलूंगी इस पे कि एक ये आजकल कमर्शियल वर्ल्ड हो गया है कि हम जो पैसे खर्चते हैं उसकी हमें वसूली मिलनी चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ मनी हम स्पेंड करते हैं उतना ही खाना मुझे मिलना चाहिए, तो वसूल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं देखते हैं उस टाइम पे, तो जितना मिल जाता है कि हमारे इतने खर्चे किए उसमें से, तो डबल पोर्शन भी हम खा लेते हैं। मिले उतना बिल्कुल इट्स लाइक कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, सोचते हैं कि 1000 रुपये का खाना है तो 1000 रुपये की वसूली होनी चाहिए, तो आप डबल दी अमाउंट खाते हो, आप डबल दी पोर्शन ऑर्डर भी करते हो क्योंकि इट इज़ अनलिमिटेड खाना होता है। तो वहाँ पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपकी जितनी ज़रूरियात है उतना ही हमें खाना चाहिए, और अगर हम बाहर भी खाना खाने जाते हैं या घर पे भी ऑर्डर करते हैं, मानती हूँ कि दैट इज़ फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट के लिए कि भाई हर रोज़ का खाना घर का खाना खाने से हम थक जाते हैं, यू वॉन्ट अ चेंज, भगवान ने हमें टेस्ट बड्स दिए हैं तो हमें डेफिनेटली करना है, पर उसमें भी एक लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम लिमिट के हिसाब से खाएं, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना ही खाएं पर उससे आगे नहीं। एक महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि हम गेहूं खाएं या चावल खाएं, क्या चावल खाने वालों को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है? डॉक्टर झिंगन क्या कहना है आपका, हमको क्या खाना चाहिए? मैं इसके बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन इससे पहले अभी जो बात हो रही थी डॉक्टर काजल बता रही थी, जो फूड जो है उसमें साइज़ भी बढ़ गया। आज हम बात करें, अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो उस समय कोक या अपना बर्गर जो भी था और जो सर्विंग साइज था वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। मतलब हम ज़्यादा खा रहे हैं, हमारी थाली में हम ज़्यादा भोजन लेते हैं, आप ये कह रहे हैं? आप ज़्यादा, अच्छा, क्योंकि ये उन कंपनीज का जो कि डेवलप कर रही है, जो बना रही हैं, उनका भी एक इस तरह का उनको सोचा कि साइकोलॉजी है कि अगर हम थोड़ा ज़्यादा सर्विंग साइज कर देंगे तो लोग और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड आई थिंक वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है ओबेसिटी वेट गेन के लिए और इन सब के लिए। जहाँ हम अभी चर्चा उसका विषय था कि गेहूँ या चावल, दोनों चीज़ों को, बल्कि ये तो कहा गया है कि अगर आप होल ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और उसमें गेहूं जो है मेन है जिसको ले सकते हैं हम। चावल भी खाना चाहिए, लोग चावल भी खाते हैं, और दोनों के खाने से कोई किसी की डायबिटीज़ बढ़ती नहीं है। लेकिन आप लोग हमेशा, हमने ये देखा है जिसको भी मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, उस बैन लग जाता है बिल्कुल, चावल खाना ही नहीं है, चावल से दूर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है, अगर इस तरह का जब हम मैसेज देते हैं तो वो गलत है। अच्छा। आप हर चीज़ को देखिए, खाना तो पूरा खाना है, क्योंकि उसमें अगर आपने जो है 50% 60% कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, 20% प्रोटीन लेनी है, और 20-30% जो अगर फैट लेनी है, तो इसमें ये सब चीज़ें इक्वल उसमें होंगी, और उसके अंदर ग्रेन्स होंगे, उसमें सारी सीरियल्स भी होंगी, उसके अंदर जो है चावल भी होगा। जो लोग जिनकी डाइट ही चावल है तो उन लोगों को चावल दिया जाता है, बट उसमें यह है कि क्वालिटी ऑफ जो राइस है उसको डिफरेंट होगा। आप ऐसा राइस लें जो बॉइल्ड हो,
ऐसा राइस लें जो ब्राउन राइस की तरफ काफ़ी है, जो आटा भी है तो उसमें सिर्फ गेहूं का ही आटा लें जिसमें वो मिला हुआ या रिफाइंड, हर चीज़ जो रिफाइंड होती जा रही है उन सब चीज़ों से शुगर के जब होने के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं और वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना महीन होता जाएगा उतना सेहतमंद नहीं होगा जी। और फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं, रापन ज्योति हैं असम से, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। मेरा वजन बढ़ गया, बढ़ रहा है, मेरा 31st ईयर है, वजन 79 है। 79 है, और उम्र नहीं बताई शायद अभी तक इन्होंने। उम्र 31st ईयर है। 35, 35 वर्ष और 79 किलो वजन। डॉक्टर निखिल टंडन, क्या खतरा है इनको और इनको क्या करना चाहिए? और आप तीनों से ही बारी बारी, क्योंकि बार बार मोटापे को लेकर जब बात हो ही रही है, खतरे को दूर करना है तो कैसे कम करेंगे उस पर बात करते हैं। इनको क्या खतरा है? इन्होंने अपनी हाइट नहीं बताई क्योंकि वो जरूरी है। एक जनरल, अगर आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में ले लें तो जैसे किसी की हाइट 5'6" होगी तो वो 165 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द आता है, आप उसमें 100-102 करीब हटा लें तो उतना आपको वजन होना चाहिए। तो 65 किलो, 165 सेंटीमीटर के इंसान, 5'6" के इंसान में 62-63 किलो आपका वजन होना चाहिए। तो अगर इनका कद, इनका जो हाइट अगर 6 फुट है जी तो इनका वजन उसके लिए ठीक है, अगर 6 फुट से कम है तो उनका वजन उसके लिए ज्यादा है। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। उसी प्रकार उनका जो फैट होता है, जो हमारे पेट के इर्द गिर्द फैट होता है, वो मेटाबॉलिकली खराब फैट होता है। तो अगर वही वजन पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वर्सेस वो वजन वेस्ट में ज्यादा जा रहा हो, तो अगर इनका जैसे 90 सेंटीमीटर 92 सेंटीमीटर से ज्यादा इनका वेस्ट है तो वो भी नेगेटिव जी। तो इन दोनों चीजों का हम जो साधारण एक टेप मेजर से और एक वेइंग मशीन से कर सकते हैं, उससे हमें आइडिया पड़ जाता है। उसके बाद जिसके बारे में हमने बात करी है उन्हीं चीजों पे इनको ध्यान देना पड़ेगा, खान पान पे और व्यायाम पे। और खान पान पे मैं इतना बता दूं आपको, जो आपने वर्ड महीन यूज किया था, ये भी मैं कह दूं जो आकर्षक है नेसेसरली वो जरूरी नहीं है आपकी सेहत के लिए बेहतर है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो राइस ईटिंग भी थी हमारे यहाँ वो पॉलिश राइस की नहीं थी, वो पॉलिश तो इस नाइस लुकिंग राइस, वो कहाँ चीजें रही। अब धान जैसे कूटा जाता था घरों में, अब वो तो चीजें नहीं है, तो मशीन से पॉलिश होके चमकता हुआ चावल आता है, लंबा भी हो, खुशबूदार हो, बहुत बहुत विज्ञापन बहुत होता है। उसी प्रकार हम लोग पहले गेहूं खरीदते थे, चक्की ले आते थे, उसे पिसवाते थे, अब वो चीजें नहीं हो सकती, कहाँ होता है। तो अब कैसे स्वस्थ रहेंगे हम सब? तो थैले में आता है जी, किस तरह से स्वस्थ रहेंगे काजल पांडे जी आपसे जरूर जानेंगे। उससे पहले अमित जी हैं हमारे साथ उत्तराखंड से फोन लाइन पर। अमित जी स्वागत, सवाल पूछिए। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या मुझे मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है? कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है अमित जी आपका? 250 के आसपास मतलब कि हुआ है कि यार उससे बीपी भी इंक्रीज हो गया है जी। और उसके अलावा जो और पैरामीटर्स हैं आपका, वजन ठीक है या वो भी बढ़ा हुआ है? नहीं, वजन मतलब 75 kg है और रिस्पेक्टिव हाइट 5'8" के रिस्पेक्ट में जी। डॉक्टर अशोक जिंगन, एक्चुअली सबसे हर एक का जो क्वेरी आ गई, दो सवाल आ गए जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। एक जो हम लोग कहते हैं ना रिस्क फैक्टर्स, जो डायबिटीज होने के लिए उसके साथ में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की लेवल ज़्यादा होना इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है कि जिन इन लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा प्रेशर भी है, हाई ब्लड प्रेशर अगर है वो भी एक रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज को भी बढ़ाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी बढ़ाएगा। मोटापा तीन इट्सेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। इसके साथ साथ स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये पांचों जो है रिस्क फैक्टर्स है जिसको कहना चाहिए बैड कंपेनियंस ऑफ डायबिटीज है। अगर ये साथ में है तो डायबिटीज तो होगी होगी, उसकी जटिलताएं भी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो इनका सवाल था कि कोलेस्ट्रॉल का, मुझे लगता है काफी लोगों के अंदर एक क्वेरी है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, मुझे लगता है लोग थोड़े जागरूक तो हुए हैं, उनको अब पता लगने लगा है कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध डायबिटीज और हाइपरटेंशन से है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें ये भी जानना चाहिए कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। अगर उसमें LDL है जिसको हम लोग बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर उसके लेवल 100 से नीचे हैं तो ये अच्छी बात है। और HDL कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से निकाल के लीवर की तरफ ले जाता है और आपके आर्टरीज को ठीक रखता है, उसके लेवल अगर 50 से ऊपर है तो हम
इन चीज़ों से, डायबिटीज़ की वजह से या वैसे हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये जानकारी अगर लोगों में आ रही है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जी थोड़ा सा डर भी है डॉक्टर काजल की, क्या खाएं, शुरुआत कहाँ से करें, क्या बताना चाहेंगी, क्योंकि बचपन से ही जो हैबिट डेवलप हो रही है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, अर्ली सॉल्यूशन चाहिए, पेरेंट्स को भी ऑफिस जाना है, तो बच्चों को छोटी छोटी आदतें जो वहां से डाली जाती हैं, पैसे लो जाके कैंटीन में खा लो, कहाँ कहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा और शुरुआत कहाँ से करें? सही बात है, आज से हमें बच्चों में भी हमने डायबिटीज़ देखा गया है और मोटापा बच्चों में भी देखा गया है। एंड एक हद तक मैं बोल सकती हूँ कि पेरेंटल गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, पर अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं होता है, वो अल्टीमेटली इसी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पर अगेन एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से शायद हम ये जो प्रॉब्लम है उसको हम डील कर सकते हैं। तो पेरेंट्स घर पे ही कुछ, मदर स्पेशली, इट वुड बी द मदर ओनली, कि भाई मदर कुछ एक्स्ट्रा बना सकते हैं बच्चे को, फाइबर रिच फूड यानी कि रेसे वाली चीज़ें ज़्यादा दे जो पॉलिश्ड चीज़ों से में हेल्प करता है। जैसे कि पहले हमने बोला कि भाई चावल पॉलिश्ड होता है, पर अगर यही चावल को अगर हम उसमें ज़्यादातर सब्जियां डाल के बनाएं तो उसका फाइबर कंटेंट वैसे बढ़ जाता है। मानती हूँ कि आज के दिन में हम हैंड पाउंडेड राइस नहीं मिल सकता है, ज़माना बदल गया है, तो यही चावल को ज़्यादा सब्जियों के साथ अगर हम बना के दें बच्चे को या कोई भी सेवन करें तो फाइबर इंटेक बढ़ जाता है, अगेन दैट हेल्प्स कि भाई रेसा उसमें बढ़ गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब्जी की मात्रा बढ़ा देते हैं, फ्रूट की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो हम बनाते हैं बच्चे के लिए, अगर एक ब्रेड भी देते हैं तो भी आजकल हमें मल्टीग्रेन आटे की ब्रेड मिलती है इंस्टेड ऑफ द पॉलिश्ड मैदे वाली ब्रेड। तो ये छोटे छोटे चेंजेस भी अगर हम ला सकते हैं तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पे, कुकिंग के टाइम पर आप बोल रही हैं टाइम कम है ये मान लिया, लेकिन कुछ ऑप्शंस जरूर बताइए, क्योंकि ये तो पता चला फाइबर खाना है, लेकिन कौन से आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं या अगर कम टाइम है तो क्या कुछ बना सकती हैं मदर्स, वो जरा बता दीजिए। बेसिकली बच्चे के ब्रेकफास्ट के लिए अगर मुझे बोल रहे हो कि अगर उनको स्कूल ले जाने के लिए क्या बना के रख सकती है मदर, पहले तो पहले के दिन में थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, प्री प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह उठ के टाइम नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली हम पैक्ड फूड दे देंगे, तो एक प्री प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। सेकेंडली जो भी टिफ़िन में देंगे वो ऐसी चीज़ें हो वो जल्दी बन सकती है, जैसे कि मैं बताऊँगी कि एक वेजिटेबल पोहा हो गया बच्चा खा सकता है, एक रोटी हो गई स्टफ़ की हुई रोटी हो गई जिसके अंदर आप वेजिटेबल डाल के रख सकते हो, आप एक सैंडविच दे सकते हो अगेन जिसके अंदर होल ग्रेन की ब्रेड यूज़ करेंगे प्लस अंदर वेजिटेबल्स डाल के यूज़ करेंगे। मानती हूँ बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अगेन उनके सामने या किसी और के टिफ़िन में ऐसी चीज़ होती है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाता है, पर एक पेरेंटल गाइडेंस के साथ अगर हमें दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से दैट विल हेल्प। अब बात इस बात पर आ गई थी कि हमें दूर रखना है इन तमाम चीज़ों को करके कि डायबिटीज़ ना आए, मोटापे के ऊपर चर्चा हो ही गई, मोटापा बहुत बड़ा खतरा, उससे दूर रहना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक चिंगन, आपने बात कही कि हमें HDL बढ़ाना चाहिए, अगर वो बढ़ा रहेगा तो हार्ट डिजीज का भी खतरा कम होता है, ये बढ़े कैसे ये बताइए। HDL बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका होता है व्यायाम, ये देखा गया कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे HDL बढ़ता है, ये तो एक है। दूसरी चीज़, कई ऐसे खाने में भी ऐसे तरह के पदार्थ होते हैं नट्स के बारे में, लोगों को अगर हमेशा एक भ्रांति रहती है कि बादाम खाने से या पिस्ता खाने से या अखरोट खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जबकि सत्य इसके विपरीत है कि अगर आप रोज़ 30 ग्राम नट्स ले सकते हैं जिसमें 8 से 10 बादाम हो, 2 अखरोट हो, इन चीज़ों से क्या होता है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ता है, और इसके साथ साथ स्प्राउट्स हैं उनसे भी बढ़ता है। बड़ा महंगा इलाज बताया आपने HDL बढ़ाने का, और नहीं बहुत सस्ता भी है, एक अलसी आती थी जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैक्स सीड, ये वो अच्छा बहुत अच्छा है, जो कि अलसी जब लोगों को पहले पता नहीं होता था और आज वही फ्लैक्स सीड जो है फायदा उतना ही, उससे बहुत ज्यादा फायदा है, बल्कि ज्यादा ही फायदा है उससे जी। और जो जिस तरह का ऐसा जो खाना है जिसके अंदर जैसे कई तरह की फिश है जो लोग नॉन वेज खाते हैं जी, उनसे भी HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन व्यायाम और सस्ता उपाय करें तो अलसी, अलसी जो है अलसी को भून लें और उसका पाउडर बना के खाएं, ले सकते हैं, तो इन दो चीजों से सबसे ज्यादा जी बढ़ता है। स्मोकिंग कम करता है, स्मोकिंग अच्छा HDL को कम करता है, तो इसलिए उससे तो स्मोकिंग ना करें, ना करें। और बहुत से लोग, कई जगह हम ये पढ़ते हैं अल्कोहल को लेकर जरूर बात होती है, और अल्कोहल पे जरा सी चर्चा कर लें, क्या अल्कोहल और डायबिटीज का कोई रिश्ता है? हम डॉक्टर निखिल टंडन, ये एक ईमेल मैं लेना चाह रहा था, हमारे एक दर्शक हैं डॉक्टर NK यादव हैं पुणे से, इन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं कि इनको डायबिटीज है, और क्या डायबिटीज का रिश्ता लिवर प्रॉब्लम से भी क्या कुछ जुड़ाव है उसका? इनको कहते हैं कि मुझे 1991 में
हेपेटाइटिस ई या ए हुआ था मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरे कमर के आसपास मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया। मेरा वजन अभी 67 किलो है और हाइट है इनकी 5 फीट 4 इंच, 5 फुट 4 इंच। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की दवाइयां 10 साल से ले रहे हैं ये। ग्लूकोमा है 15 वर्ष से, उसकी भी दवाइयां ले रहे हैं। और अपने लिवर को थोड़ा सा चलाने के लिए या उसको अच्छा करने के लिए कुछ ब्रांड की दवाइयां ये खाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं उससे ज्यादा लाभ नहीं होता। क्या कहेंगे? मैं दो सवालों का जवाब दूंगा, पहला आपका अल्कोहल वाला भी, और लेकिन पहले इनका जो सवाल है, ये कोई क्लियर एविडेंस नहीं कि इन्होंने जो बताया कि हेपेटाइटिस ए या ई होने के बाद से होता है, लेकिन जरूर हो सकता है कि उस समय उनका वजन कम हो गया हो और उसके बाद परिवार वालों ने उनको खिलाया पिलाया हो कि इनकी सेहत वापस कर दी जाए, तो उस मोटापे की वजह से बाद में डायबिटीज हुई। लेकिन जो हमें परेशानी दूसरी चीज से होती है, लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन भी डायबिटीज और डायबिटीज रिलेटेड बीमारियों से होता है, उसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। और वो पहले हम लोग इतना नहीं समझते थे इसके बारे में, लेकिन अभी ये मानने को आ गया है कि वो जो फैट डिपॉजिट हो रहा है लिवर में, वो जो नॉर्मल लिवर सेल्स हैं उसको इरिटेट करता है, उसमें भी एक किस्म का इन्फ्लेमेशन लाता है, और समय के साथ वो भी लिवर फेलियर और सिरोसिस का एक कारण हो सकता है। तो लिवर में जो फैट है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। अल्कोहल का जो सवाल है, उसमें आपको दो चीज़ों में ज़रूर कहना चाहूँगा, अल्कोहल से कैलोरीज आती हैं। अगर शुगर और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी पर ग्राम आती है, फैट से 9 कैलोरी पर ग्राम आती है, तो अल्कोहल से 7 कैलोरी पर ग्राम आती है, तो अल्कोहल से कैलोरी जाती है। आमतौर पे कोई भी इंसान अल्कोहल अलग में नहीं लेता है, कुछ साथ में खाना पीना होता है, तो उन सब चीज़ों से मोटापे होने की संभावना है। जहाँ तक उसके सद्गुण हैं, इसको आपको समझने के लिए बस एक चीज़ आवश्यक है कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल बॉडी ये नहीं कहती है कि अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो कृपया शुरू कीजिए, इससे आपको लाभ होने वाला है। वो केवल ये कहते हैं कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसकी मात्रा कम करके उसको नियमित रूप से पीजिए, बट ये कभी नहीं कहते हैं कि जो जो नहीं पी रहे हैं अल्कोहल वो कृपया करके आज ही शुरू कर दीजिए। तो ये बड़ा मैसेज, लोग कभी रेड वाइन की, कभी व्हाइट वाइन की, कभी इसकी बात करते हैं, इसको जरा हमें क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि साहब नहीं पी रहे हैं तो नहीं पीते रहिए, शुरू करने की जरूरत नहीं, रिकमेंडेशंस नहीं है जी। और फिलहाल हमारे साथ महाराष्ट्र से प्रीति हैं फोन लाइन पर। प्रीति जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, पूछिए सवाल। मेरे हस्बैंड को ना 3 साल से डायबिटीज है जी, और उनका वेट ना 64 और 65 ही रहता है, और उनकी जो हालत है मोटी नहीं होती कभी भी, उल्टा दुबली होते जा रही है। ओके। और शुगर लेवल जो है उनका वो 400 350 ऐसा ही रहता है। 3 साल से डायबिटीज है आप बता रहे हैं? हाँ जी। और उनका शुगर लेवल ना बढ़ते जा रहा है, पहले 180 था, अब फिर 200, फिर 260, अभी तो 400 तक गया, और वेट तो उनका मतलब बढ़ाने कम होते जा रहा है जी। डॉक्टर निखिल टंडन, 3 साल से डायबिटीज है, शुगर लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, 450 तक पहुंच गया है, और वजन बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे? वजन कम होने का कारण यह है कि उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जैसे आप बार बार अपने दिखा रहे हैं रनर्स पे कि ये भी लक्षण है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से वजन कम भी हो सकता है। और अब ये समझना पड़ेगा कि जो अनकंट्रोल क्यों हो रही है, कुछ लोगों में जो क्षमता होती है शरीर में इंसुलिन बनाने की, उसमें गिरावट आ जाती है। तो हो सकता है ये केवल गोलियां ले रहे हों, और हो सकता है वो गोलियां आप काम नहीं कर रही हो सकता है इनको इंसुलिन लेने की आवश्यकता हो। अब ये लेकिन 1-to-1 सलाह तो वही दे सकता है जो मरीज दे सके, बट ये ये जरूर हो सकता है कि ये कह रहे हैं 3 साल से डायबिटीज है, लेकिन हो सकता है 3 साल पहले पता लगी है और भी पहले से रही हो, और अब जो है वो जो दवाइयां हैं वो अब काम नहीं कर रही, वो प्राइमरी और सेकेंडरी ओरल एजेंट फेलियर हम जानते हैं, और ये हो सकता है उस स्थिति में तो विशेषज्ञ से मिलके परामर्श हो सकता है इंसुलिन की आवश्यकता इनको हो। डॉक्टर अशोक झिंगन, हमने रिस्क ग्रुप की बात की थी, वहां पर दो जिक्र आए, आपसे जल्दी से जान ले छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें। जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को डायबिटीज हुई, उसको आगे चलकर मधुमेह होने का खतरा, और उसके बच्चे को मधुमेह होने का खतरा कितना होगा और किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अब इसके आने लगे हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये होता है कि जैसे जिस समय कंसीव करते हैं उस समय ब्लड शुगर नहीं होगी,
लेकिन जैसे ही 2 महीने या 3 महीने निकलते हैं तब जब टेस्ट कराने जाते हैं तो पता लगता है कि ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ गए हैं, और जब शुगर के लेवल बढ़ने लगते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें 2-3 चीजें हैं, हो सकता है जेनेटिक बैकग्राउंड हो उस लेडी का जिसको अब जाके प्रेसिपिटेट हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है और उससे शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई पूरा ट्रीटमेंट का पैटर्न ही बदल जाता है। अगर जो है पहले से अगर वो दवाई नहीं ले रहे थे तो अब जो है इंसुलिन ही उनको लेनी पड़ेगी, बल्कि अब तो यहाँ तक हो गया कि इसको ना होने दिया जाए, कंसीव करने से पहले ही उनको एंटीनेटल सलाह दी जाती है जो हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं कि आपको जब भी अगर होगा तो इसलिए बेटर यही है कि आप अपना पहले शुगर को कंट्रोल करें तभी कंसीव करने के बारे में सोचें। अब हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज तो जब डिलीवरी के टाइम पे शुगर के लेवल्स तो कम आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर 2 से लेकर 4 साल के अंदर डायबिटीज होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं अगर आपका वेट दोबारा बढ़ने लगे तो। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी पूरे चांसेस होते हैं, जिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर भी पूरे चांसेस होते हैं आगे चल के उनको डायबिटीज़ हो, इसीलिए उनके पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि बच्चों के वेट और खान पान पर शुरू से उसकी सलाह रखी जाए, मतलब ध्यान रखा जाए। तो बहुत सारे कारण हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है खुद को और बच्चे को डायबिटीज से बचाव करने के लिए, ये हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं डॉक्टर निखिल टंडन जी। और इस वक्त हमारे पास बहुत से हमारे पास ईमेल्स आए हैं जी। एक ईमेल है रचना लांबा का, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं, 4 घंटा ट्रैवल करती हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, एक बार शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे आया था उसके बाद ठीक है। वो लिख रही है कि टेंशन बहुत होती है, लड़ाइयां होती हैं, चिल्लाना भी मुझे बहुत पड़ता है, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो एक एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला सवाल पूछा है मेरे ख्याल में, करना क्या चाहिए हम सब लोगों को सोचना तो नहीं छोड़ेंगी सवाल है, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए किसी हालत में नहीं, लेकिन उसी परिस्थिति में आई थिंक जितना फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ जाती है। और ना वो ना केवल उन पे, आई थिंक ये तो ऑर्गेनाइजेशनल इशू भी हो जाता है कि वर्किंग एनवायरमेंट जो है वो एज एन एम्प्लॉयर उनके लिए भी आवश्यक है, जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जितना स्ट्रेस फ्री हो। समय नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, जो उन्होंने लिखा 4 घंटे, तो कुछ लोगों ने कुछ जगहों पर कुछ दफ्तरों में जिम भी बना दिए हैं ताकि डॉक्टर छिंगन आपसे भी जल्दी से पूछ लें। निशा सिंह है, उन्होंने हमें ये ईमेल भेजा है, वो लिखती हैं उनकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष है, वजन 40 किलो है और उनका जो शुगर लेवल है वो है 140 और हाइट है 5 फीट 3 इंच। वो लिखती है क्या मुझे डायबिटीज हो गई है? नहीं, 140 कौन सा वाला ये नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि ये अगर रैंडम अच्छा मान लीजिए अगर रैंडम है तो क्या होगा, पीपी है तो क्या होगा, फास्टिंग है तो क्या होगा? अगर फास्टिंग है 140 तो डेफिनेटली ये ज्यादा जी, और इसमें जो है डायबिटीज अगर रैंडम है या वैसे ही इस तरह का है तो इसको फिर दोबारा जरूरत है अपना चेक कराएं, उसमें आईजी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं पहले तो, और उसके बाद जो अगर फिर भी अगर ये देखना चाहें कि कितने टाइम से है तो एक HbA1c भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। और जहां आप एक्सरसाइज की बात आज चल रही थी, एक्सरसाइज के बारे में लोगों को हमेशा बहुत वो रहता है कि कहाँ किया जाए कब किया जाए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपको टाइम मिले तब करिएगा, कोई ये जरूरी नहीं कि सुबह की ही एक्सरसाइज है, वो बहुत मायने रखती है, आप उसको बांट के कर सकते हैं 15-15 मिनट करके कर सकते हैं या अकेले 50 मिनट्स का एक्सरसाइज होनी ही जरूरी है जी। और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का एपिसोड 541 का सवाल था कि माँ के दूध का उत्पादन कौन से हार्मोन से होता है, सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि मधुमेह से बचाव के लिए इनमें से किसे नहीं बदला जा सकता, ऑप्शन ए जीवन शैली, ऑप्शन बी पारिवारिक इतिहास या फिर ऑप्शन सी खान पान। आप अपने जवाब हमें 30 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 228, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं टोटल हेल्थ ddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर शामिल हो सकते हैं हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड नंबर 541 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर निखिल टंडन से, जिनके सामने रखी हुई हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों ने हमें भेजी हैं। डॉक्टर निखिल, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इन सभी करेक्ट एंट्रीज में आज के एक लकी विनर कौन है।
आज के जो लकी विनर हैं उनका नाम है मनोज कुमार और ये करनाल रहते हैं। इनको बहुत बधाई मनोज जी को। और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर काजल पांड्या आपको, ज्यादा मीठा खाने वालों को ही डायबिटीज का खतरा होता है? गलत है, नॉट नेसेसरीली। उसके साथ जो जो खाते हैं उसका बहुत महत्व है, कि यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज का असर पड़ता है डायबिटीज पे। डॉक्टर निखिल टंडन, अगर व्यक्ति कम मीठा खाएगा तो उसे कभी भी डायबिटीज नहीं होगी? तो जो डॉक्टर काजल ने कहा उसी का एक्सटेंशन है कि एक चीज नहीं है, सो मीठा खाने में एक कॉम्पोनेंट है, डाइट एक बहुत बड़ी चीज है, तो केवल मीठे पर ही हम फोकस नहीं कर सकते। डॉक्टर छिंगन, चीनी से बेहतर होता है गुड़? उसमें कैलोरीज, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो कम होता है, लेकिन अगर जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो दोनों ही नुकसान करेंगे। डॉक्टर काजल, बर्गर पिज्जा फास्ट फूड खाएं ना खाएं? खाएं, लिमिट में खाएं, और जस्ट एज अ टेस्ट एनहांसर खाएं, बार बार ना खाएं। डॉक्टर टंडन, थायराइड की समस्या होने पर मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है? कुछ एक्सट्रीम थायराइड स्टेट्स में शुगर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मली जो रूटीन में थायराइड की प्रॉब्लम होती है और वो ट्रीटेड होती है, उसमें ऐसे कोई रिस्क में वृद्धि नहीं होती है। डॉक्टर अशोक झिंगन, फैटी लिवर से मधुमेह का खतरा हो सकता है क्या? आजकल उसका काफी कोरिलेशन आ रहा है, बहुत सारी स्टडीज हो रही है कि फैटी लिवर वाले पेशेंट्स को आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर काजल, कोला सोडा या पैकेट बंद जूस एनर्जी का यानी ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है? बिल्कुल नहीं, वो एम्प्टी कैलोरीज आती है, यानी कि उसके साथ और कोई न्यूट्रिशन नहीं आता है, इसलिए उसका सेवन न करें तो ज्यादा अच्छा है, और उसके अच्छे ऑप्शंस भी बहुत है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर निखिल टंडन, रक्त में यदि शर्करा का स्तर बढ़ने लगे तो उससे क्या होगा? एक्चुअली मधुमेह का एक जो की परिभाषा में वही है कि अगर नॉर्मल से ज्यादा रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़े उसी को हम मधुमेह कहते हैं। इसका मतलब है कोशिकाओं तक वो नहीं पहुंच रहा है, उसका कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और वो व्यर्थ जाके फिर गुर्दे के जरिए बाहर पेशाब में निकल रहा है। डॉक्टर जीगन, इस बढ़े हुए स्तर को कम करने का अच्छा तरीका है कि कुछ समय के लिए मीठा खाना बंद कर दिया जाए? खाली एक मीठे खाने से तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा। आपको टोटल कैलोरीज का इंटेक कम करना पड़ेगा और उसको कैलोरीज को कंज्यूम करना जरूरी है। किस तरह का खाना डॉक्टर काजल मोटापे का कारण बन सकता है? ज्यादा चर्बी वाला खाना, तेली खाना, जाने की और हमारी जो मात्रा है तेल की जो रिकमेंडेशन से उससे ज्यादा खाना, प्लस उसमें ऐसी चीजें होती है जो फाइबर रिच नहीं होती है, जिसमें रेसा नहीं होता है, क्योंकि रेसा हेल्प करता है मोटापे को कंट्रोल करने में, यानी कि कम करने में भी। तो ऐसा खाना खाए जिसमें तेल कम हो, मीठा भी कम हो, प्लस रेसा ज्यादा हो। डॉक्टर निखिल टंडन, मोटापे से मधुमेह का खतरा कैसे बढ़ता है? देखिए, जो मोटापे मतलब जो फैट सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली ख़राब होते हैं, और ख़ास तौर पे जो फैट हमारे कमर के आसपास, वेस्ट के आसपास जमा होता है उसमें और भी ख़राब होता है। तो वो जो इंसुलिन के काम करने की क्षमता है उस पर नेगेटिव असर करता है, तो इंसुलिन इतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाती है, और इसी वजह से जो उसका काम है मतलब ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने में, उनको इस्तेमाल करने में, वो काम नहीं हो पाता, इसलिए डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। डॉक्टर अशोक झिंगन, अगर मोटे लोग अपना वजन कम कर लें तो क्या मधुमेह नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि इसके तो बिल्कुल आजकल जो है साइंटिफिक एविडेंस भी है और स्टडीज भी हुई है। अगर आप 7% अपना वेट कम कर लें तो आप अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं, और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है वो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर काजल, मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खाने से मधुमेह का खतरा कम होता है? जैसे अर्लियर डिस्कशन में भी डॉक्टर ने बताया है कि बादाम और वॉलनट्स, जिसको हम अखरोट बोलते हैं, उसका सेवन करने से हाँ एक तरह से खतरा कम कर सकते हैं, पर वो भी एक मात्रा में, ऐसा नहीं कि भाई बोल भर के खा ले, एक मात्रा है उसके लिए भी। डॉक्टर निखिल टंडन, अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL किन चीजों से बढ़ सकता है? देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसका व्यायाम, और नियमित रूप से एक जिसे हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं वो हमें करनी चाहिए। बाकी खाद्य पदार्थ इत्यादि से थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन जो मेन ड्राइवर है वो है व्यायाम। डॉक्टर झिंगन, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह में क्या संबंध है? मधुमेह का, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं मधुमेह के अंदर, 75-80% जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं
उनकी जान का खतरा जो है वो हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम से होता है। और हार्ट की प्रॉब्लम्स का जो मेन कारण माना जाता है, एक अपना कोलेस्ट्रॉल की लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल ज़्यादा होना, तो ये डायरेक्ट लिंक है। मतलब इसको एक तरह से अगर कहा जाए तो ये एक उसका मधुमेह का ही हिस्सा होता है। डॉक्टर काजल, रिफाइंड ऑयल से बेहतर है देसी घी खाना, क्या कहेंगी? नहीं, रिफाइंड ऑयल भी खा सकते हैं और देसी घी भी एक मात्रा में खा सकते हो, पर पूरे दिन की जो रिकमेंडेशन है वो है 3 छोटी चम्मच। तो ये 3 छोटी चम्मच में 1 चम्मच अगर रिफाइंड ऑयल की हो, 1 चम्मच कोई और ऑयल की हो और आधी चम्मच अगर देसी घी की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लिमिट है 3 चम्मच और अलग अलग हो। डॉक्टर टंडन, कौन सा घी या तेल अच्छा है? ऐसे बात है कि कोई परफेक्ट ऑयल या परफेक्ट तेल नहीं है, तो इसलिए बेहतर है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा सरसों, थोड़ा मूंगफली का, थोड़ा अगर किसी को ऑलिव ऑयल का शौक है तो हल्का सा वो, बट वो बांट बांट के, क्योंकि हर तेल में कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ खराबियाँ हैं, लेकिन टोटल मात्रा लिमिट कर। डॉक्टर अशोक जिंगन, हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा कैलोरीज को स्टोर क्यों कर लेता है, इकट्ठा क्यों कर लेता है? ये जितनी भी है, क्योंकि हमको कई बार जिसको ग्लाइकोजन के उसमें स्टोर होता है और हमें रेगुलर उससे एनर्जी मिलती रहती है। अगर ये ना होगा तो कई ऐसी स्टेजेस में, जबकि हम बीमारी की स्टेज में कहाँ पे जब कुछ नहीं खा पाते, तो बॉडी को वहाँ से हमें एनर्जी और कैलोरीज मिलती रहती है। डॉक्टर काजल, बच्चों में मोटापे का कारण भोजन है या जीवन शैली? सबसे ज़्यादा जीवन शैली, और जीवन शैली के अंदर आ जाता है भोजन और एक्सरसाइज, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी दोनों मिला के। डॉक्टर निखिल टंडन, कुछ मोटे लोगों को भी मधुमेह नहीं होता और कुछ पतले लोगों को मधुमेह हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम मोटापा एक ही तरह से तोल रहे हैं वजन के साथ, वो उतना वजन मसल वेट भी हो सकता है, उतना वजन फैट वेट भी हो सकता है, उतना वजन फैट डिस्ट्रीब्यूशन से भी अंतर पड़ सकता है, तो इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। डॉक्टर झिंगन, किसी व्यक्ति को भविष्य में आने वाले समय में मधुमेह होगा, क्या ये बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कभी? ये डिपेंड करता है, अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में है या वो प्री डायबिटीज़ वाले ग्रुप के अंदर हो रहा है तो तब तो उनको कहा जा सकता है, लेकिन ये अगर वो अपनी जीवन शैली बदल लेते हैं, इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। डॉक्टर कालचरण पांडे, भोजन में बदलाव से क्या मधुमेह के खतरे को टाला जा सकता है? बिल्कुल टाला जा सकता है। डॉक्टर टंडन, प्री डायबिटिक स्टेज क्या होती है? सो प्री डायबिटीज़ जो हम जिसे कहते हैं, कोई इंसान नॉर्मल हो, उसको डायबिटीज़ का कोई भी पैरामीटर ना हो, एक होता है जिसको डायबिटीज़ हो, बीच वाली जो परिस्थिति होती है जो जिसमें वो सफ़र जो नॉर्मल से डायबिटीज़ पे इंसान चला है वो आधे रास्ते तक पहुंचा है, पूरे रास्ते तक नहीं पहुंचा, उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। वहाँ पर हम ज़रूर रोकथाम करके और उस सफ़र को हम लौटा भी सकते हैं। जी डॉक्टर अशोक जिंगन, किस तरह का ख्याल रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा इस आधे सफर को वहीं पर रोकने या वापस लौटाने के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो इसी पे हुआ है और वहीं पे वो कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की जरूरत है। उस लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में ही ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें वेट रिडक्शन भी है, डाइट कंट्रोल भी। जी, थोड़े से सवाल हैं, जल्दी से वो भी पूछ लिए जाएं। डॉक्टर काजल, प्री डायबिटिक्स को खान पान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि जिसमें रेशा की मात्रा हो, ज़्यादा चर्बी ना हो और फिजिकल एक्टिविटी हो, और जितना चाहिए शरीर को उतना ही खाए, उससे ज़्यादा ना खाए। डॉक्टर निखिल टंडन, कसरत ज़रूरी क्यों है? कसरत से बहुत सारे फायदे होते हैं, डायबिटीज स्पेसिफिकली के लिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो इंसुलिन के एक्शन में को काम करने से प्रिवेंट करती है, उसमें कमी आती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्यायाम का एक, जैसे आपका प्रोग्राम है टोटल हेल्थ, ग्लोबल बेनिफिट है, ना केवल डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बहुत सारी चीजों के साथ, तो हम खाली एक चीज की तरफ से नहीं देखते। डॉक्टर झिंगन, कसरत कितनी देर और हफ्ते में कितनी बार? ये 50 मिनट्स पर डे होनी चाहिए। एक्चुअली दो चीजें, अगर आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना है तब तो आप 20 से 30 मिनट के लिए कर लीजिए, अगर आपको वेट कंट्रोल करना है और डायबिटीज से बचाना है तो 50 मिनट्स की पर डे एटलीस्ट 6 to 7 डेज ए वीक होनी ही चाहिए, 150 मिनट्स पर वीक। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अशोक झिंगन, डॉक्टर निखिल टंडन, डॉक्टर काजल पांडे, आप सभी का। हमारे विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और साथ ही ये भी हमने जाना आज
कि खाइए जो आप खाना चाहते हैं, लेकिन साथ में उसको किस तरह से डाइजेस्ट करेंगे या एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है संपूर्ण स्वास्थ्य की, यानी टोटल हेल्थ की, जिसमें आता है खाना, एक्सरसाइज और कुछ साथ ही परहेज भी। तो जानकारी से ये तो तय है कि मधुमेह के खतरे को सचमुच टाला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। तो अगले सप्ताह मैं और किरण जब लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।